हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज मैं करने जा रहा हूँ मोटर ब्लॉगिंग। अभी ये देखो, बहुत टाइम बाद मैंने इसका पूरा सेटअप लगाया और माइक भी मैंने चेक कर लिया कि आवाज आ रहा था। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज मैं करने जा रहा हूँ मोटर ब्लॉगिंग। मतलब मेरे पास सारे सेटअप है मोटर ब्लॉगिंग के, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि मैं करता नहीं हूँ और बारिश का भी थोड़ा टाइम था तो फिर मैं नहीं कर रहा था। बट हाँ, हम लोग करेंगे मोटर ब्लॉगिंग। जो मेरे पास एक बाइक है अपाची, उससे जाएंगे मोटर ब्लॉगिंग। नहीं मतलब एक तरीके से सेटअप चेक करेंगे कि माइक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कैमरा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो पूरा लगा के, क्योंकि सेटअप तो सारा है मेरे पास। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा अभी आज के ब्लॉग में कि क्या कैसे मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, सारी चीज़ें आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं मोटर ब्लॉगिंग शुरू करूँ, थोड़ी बहुत डाउट्स से मुझे आप लोग अगर क्लियर कर दोगे तो अच्छा है। जैसे पहला डाउट मुझे ये है कि बारिश में लोग कैसे करते हैं, फिर इतने दूर दूर तक कैसे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अगर मैं भी यूज्ड टू हो जाऊंगा तो सारा जानकारी, सारे इंपॉर्टेंस मेरे को धीरे धीरे मालूम पड़ेंगे इस बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, होप तो अगर मेरे कैमराज और ये सारी चीज़ें प्रॉपर रही तो मैं धीरे धीरे मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा और देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे और जितना कर पाएंगे, जितना दिखा पाएंगे आप लोग को सारी चीज़ें दिखाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो अपना भाई समझ के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर उस चीज़ों को देखूंगा और बताऊंगा। तो चलते आप लोग को सारा सेटअप दिखाते और थोड़ा मोटर ब्लॉगिंग करते, उसके बाद मिलता हूं। तो अभी ये देखो, बहुत टाइम बाद मैंने इसका पूरा सेटअप लगाया और माइक भी मैंने चेक कर लिया कि आवाज़ आ रहा था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़े टाइम बाद, 15-20 मिनट बाद बाहर जाता हूँ और इसका एक मोटो ब्लॉगिंग करके आता हूँ और देखता हूँ कि क्या आवाज़ आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 30% कुछ बैटरी बची है, 30% में अपना काम हो जाएगा। मतलब आज एक तरीके से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि गोप्रो का कैसा आवाज़ आ रहा है। ये पूरा सेटअप किया है, माइक लगाया, अभी इसको सिर्फ हेलमेट में थोड़ा माउंट करना है और अभी मैं आप लोग को हेलमेट में माउंट करने के बाद आप लोग को मिलता हूँ। चलो, अभी तक तो मज़ा आ रहा था हम लोगों को ये गोप्रो सेटअप लगाने में, ये सब करने में, लेकिन अभी ये निकालने में उतना ही परेशानी होगी। ये पूरा निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब कितने मिनट का फुटेज बना है, इसकी बैटरी भी लो थी, क्या ही बोलूँ मैं। इसको निकालना, बिठाना, ये बहुत भारी है भाई। रश्मिता, तेरे को जमेगा क्या निकालने को? तेरे को क्या जमेगा? तेरे को ना तो गाड़ी चलाने आता है, ना तो कुछ करने आता है, तेरे को कुछ भी करने नहीं है, किसी काम की नहीं है ये। ये माइक चलो सेफ है, ये निकालते इधर से, फिर पूरा निकालना पड़ेगा यार, बहुत जाम रहता है भाई। हेड्स ऑफ टू मोटो ब्लॉगर, वो कैसे करते हैं मानना पड़ेगा। ये निकल भी नहीं रहा, ये आया निकला। अब इसका हम लोग गोप्रो में डाल के फुटेज भी चेक करेंगे कि फुटेज कैसा आया है। फुटेज ओके आया क्योंकि मैंने 2.4K में शायद रखा था, मेरे को आइडिया भी नहीं है। माइक यहाँ पे रहने देते हैं, माइक भी अच्छा काम कर रहा था जब मैंने टेस्टिंग किया था। अभी इसका फुटेज चेक करते हैं हम लोग PC में डाल के कि इसका फुटेज कैसा आया। तो फाइनली हम लोग ने ये देखो सेटअप लगा दिया है पूरा गोप्रो पे। तो अभी हम लोग नीचे जाने वाले नीचे जाने के बाद इसको हम लोग टेस्ट करने वाले। आज सिर्फ टेस्टिंग वीडियो होगा, थोड़ा दूर तक जाएंगे, देखेंगे माइक का आवाज़ वगैरह सब सही आ रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग जाने वाले हमारी कौन सी बाइक है मयूरेश? हायाबुसा। हमारी जो 1.5 लाख की हायाबुसा है उससे जाने वाले हैं हम लोग। आ जा इधर दिखाते हैं और माइक का आवाज़ आप लोग को सुनाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने पहले टेस्टिंग इसके लिए कर लिया, तो चलो चलते देखते हैं अभी क्या दिखाने को मिलता है। लेट्स सी, मैं एक्साइटेड हूँ। चलो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं मयूरेश? हमारी पार्किंग में आ चुके हैं और अभी आज हम लोग ये बाइक चलाने वाले हैं हमारी। तो मेन तो आप लोग आवाज़ देखना, आवाज़ चेक करना कि आवाज़ प्रॉपर आ रहा है क्या। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? हाँ, बाकी तो उसमें बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई। अरे लाजला, पुर का लाजला यार। गाड़ी की चाबी लाया कि नहीं? लाया ना? हाँ लाया। तो चलो देखते हैं कितना आवाज़ आता है। और होप सो एक चीज़ अच्छा है कि बारिश नहीं आ रही है, वैसे बारिश आ रही थी। पर मैं ना, मेरे माइंड में ना एक डाउट है मयूरेश, मेरे को एक बात बता कि अगर जो लोग समझ बारिश में ट्रैवलिंग करते तो ये सब चीज़ों को ढक देते होंगे ना? नहीं, गोप्रो को कैसा था वाटरप्रूफ वाला। लेकिन आवाज़, माइक का आवाज़ कैसे आएगा? वो पूरा अलग से आवाज़ रिकॉर्ड करना पड़ता है, पीछे से बोलना पड़ता होगा, ऐसा कुछ करना, मतलब माइक वगैरह सब निकाल देना पड़ता होगा ना? अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि बारिश के टाइम में मोटर ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा बस आवाज़ वगैरह यही सब चेक करने जा रहा हूँ आज फिलहाल मोटर ब्लॉगिंग के लिए। तो देखेंगे आगे चल के क्या करने को मिलता है क्या नहीं। ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी बाइक और ये मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एवरेज देती है। इसका एवरेज अगर आप लोग देखोगे ना, मैंने इसको भराया, मैंने कब भराया था मालूम है मयूरेश? 2 महीना हो गया रहेगा, फुल किया था।
अच्छा, मतलब इतना नहीं चलाता हूँ, लोकली चलाते हैं। हाँ, स्मेल दिख रहा है क्या? स्मेल दिख रहा है इधर? हाँ, स्मेल थोड़ा बहुत खराब आता है भाई इधर, पूरा ऐसा लोगों को लगता रहेगा फॉग है, बट वो देखो तो फॉग करके आ रहा है MIDC, तो धुआं धुआं नजर आता है। क्या हुआ? पेट्रोल तो है, गाड़ी बंद क्यों पड़ रही है? तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को हमको मिलता है। मैं थोड़ा आगे, हमारे यहाँ गली से आगे निकलेंगे ना तो वहाँ पे पनवेल हाईवे है, तो वो हाईवे के ऊपर हम लोग जाने वाले। बारिश मेरे को लगता है आ सकती है। मयूरेश, तेरे को क्या लग रहा है? लेकिन ये जो बाइक है ना, बहुत कम्फर्टेबल है यार, सच में। हाँ, मयूरेश ने मेरे को सजेस्ट किया था, ये बाइक बहुत कम्फर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब कहीं पे भी लेके निकल जाओ, एवरेज भी बहुत अच्छा देती है। बट हाँ, लॉन्ग जर्नी के लिए शायद इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर समझ हम लोग को 900-800 किलोमीटर करना है तो प्रॉब्लम दे सकता है। बट हाँ, कर क्या बोल रहा है आप? अगर माइंडसेट ना, कौन सी बाइक प्रॉब्लम देने वाली है? हाँ, वो बात तो सही है। इसको आप थोड़ा एक्सरसाइज लगा लोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल है। क्यों? रात बीत में वो थोड़ा हेडलाइट वगैरह थोड़ा कम रहता है ना, लेकिन हाँ, इसमें भी अगर लगा दिया तो काफी अच्छा ही है। इसके अंदर बहुत सारी लड़ सकती है, दूर भी जा सकती है भाई, जितना दूर खींचना चाहे उतना दूर खींच सकते हैं इसको। कितना दूर तक गया है बता? सबसे मैंने एक्टिवा का देखा था एक जन का, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो एक्टिवा पे पूरा मतलब कहाँ से है ना पूरा? हाँ, एक्टिवा पे घूम रहा है वो। कोई कोई तो साइकिल पे भी घूमता है यार, बहाना। हाँ, बहाना देने वाले हम जैसे लोग हैं जिनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी वो निकालते नहीं गाड़ी। सही बात है कि नहीं मयूरेश? बहाना देने वाले हम लोग हैं भाई, बाकी जिसको घूमना है तो वो पैदल घूम रहा है। कोई कोई तो 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके पूरा इंडिया घूम रहा है। फॉरेनर आ रहे हैं, फॉरेनर 0 रुपीज़ में घूम रहे हैं, सब रोड ट्रिप कर रहे हैं, इधर से पैसा उधर से पैसा। लेकिन यार एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, ये ज़िंदगी बहुत हसीन है यार मयूरेश, जीना चाहिए, थोड़ा पैसा जमा करके घूमना चाहिए। इतना बड़ा देश है। उस दिन मैं वर्ल्ड मैप देख रहा था अपना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, वर्ल्ड मैप में मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई कि ये ना समझो 70% पानी है, पूरा 70% पानी है। कभी आप लोग वर्ल्ड का मैप देखना, वो गूगल अर्थ डालना। जो हम लोग सोच रहे थे कि बारिश आती है तो मोटो ब्लॉगर क्या करते हैं, वो इंसिडेंट हमारे साथ हो गया है। और बैटरी भी लो हो गई थी, अच्छा हुआ ज़्यादा दूर तक हम लोग गए नहीं, तो अभी घर पे जाते हैं, पूरा निकालते हैं कनेक्शन जो भी हम लोग ने किया था। पानी देखो कैसे टप टप कर रहा है। और होप्स हो कि कैमरे के अंदर या तो फिर माइक के अंदर, अगर एक बार माइक के अंदर चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो ऊपर चलते फिर बात करते हैं, देखते कुछ बचा है कि नहीं भाई। अभी जस्ट हम लोग ने फुटेजेस चेक किया, एक बार फुटेज दिखाना ना मयूरेश। ये देख यहाँ पे फुटेज है, ये देखो फुटेज कितना अच्छा आया। तो फाइनली अभी, और आवाज भी काफी अच्छी है, सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी बैटरी लो हो गई थी। और दूसरे वाले में दिखा, जो दूसरा फुटेज लिया हम लोग ने, ये दूसरे फुटेज में जब बैटरी लो हो गई थी तो आवाज भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, ये देख सकते हो आप लोग। लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छी दिख रही है, हीरो 5 है फिर भी क्वालिटी अच्छी दिख रही है। फाइनली हम लोग ने फुटेज चेक कर लिया, फुटेज प्रॉपर था, माइक में आवाज़ प्रॉपर आ रही थी। लेकिन हाँ, जब बैटरी लो हो गई थी उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, तब जो मैंने आप लोग को फुटेज दिखाया उसमें आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करने के बाद हो जाएगा मुझे लगता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसे ही कैमरा चेक कर रहा था। कैमरे की क्वालिटी कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि उससे मुझे हिम्मत आएगी, और हिम्मत आने से क्या होगा कि मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग बनाने की, मोटो ब्लॉग बनाने की। हाँ, हो सकता है कि मैं रोज़ नहीं दे पाऊँ आप लोगों को, लेकिन हाँ, हफ्ते में 3 दिन तो वीडियो ज़रूर बना पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बस आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, और जो भी रहता है जैसा रहता है वो सारी चीज़ें बताओ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा दूर दूर भी ट्रैवल करेंगे हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, देखते हैं। पहले फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन तो स्टार्ट होता है, जब तक स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे काम करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग तो सजेस्ट करने के लिए हो ही, कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो आप लोग बहुत अच्छे से सजेस्ट करोगे। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, लव यू। कोई भी रहेगा कमेंट पढ़ रहा हूँ, फटाफट सजेस्ट करो। स्टार्ट कर देते हैं अभी से मोटर ब्लॉगिंग, चलो।